गरुड़ विकास खंड के गोलू मार्केट क्षेत्र में 26 जनवरी गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गया, जिस कारण विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया। विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण गोलू बाजार व पाए गांव में दिन भर विद्युत सप्लाई ठप रही, जिस कारण व्यापारी परेशान रहे, साथ ही ग्रामीणों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। विद्युत विभाग के अपर अभियंता राजेंद्र सिंह बोरा ने बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइन दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ देर में विद्युत सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। समस्या तो बहुत ही, आज सुबह करीब 4 बजे एक ट्रक सब्जी के हल्द्वानी से आ रही थी, जो कि यहाँ पे किसी कारण हुआ है, हम कारण तो हम बता नहीं सकते क्या कारण हुआ, यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें हमारे बिजली विभाग का एक पोल क्षतिग्रस्त होगा, जिससे कि हमारी आम जनता को बहुत यहाँ पे कष्ट हो रहा है, जिससे कि व्यापारियों का भी बहुत नुकसान हुआ, जिसमें छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी घंटा लगता है बिजली व्यवस्था जाने लगे हैं, अभी कार्य चल रहा है, दिख रहा है एक पोल का काम होना, एक पोल ये लगना है अभी पीछे एक पोल खड़ा होना, दो पोलों का नुकसान हुआ है। और तो ये कब से कितने घंटे बाद चाहिए सर? 4:30 बजे की घटना है मुझे, और तब से विद्युत व्यवस्था बाधित सर कहाँ कहाँ पर बाधित है? गोलू मार्केट जी और गोलू बाजार और गाँव में बाकी तो चल रही है सर, पाए 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 में बंद होगी, अभी बारिश हो गई ना हो जाती है, जो घंटा करीब और लगता है। CCN न्यूज के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।